हाय गैस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल एटीवी ब्लॉक में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन बमशाला में होने वाला है दोस्तों। तो लगभग यहाँ से हम लोग को जाना है दोस्तों 60 से 65 किलोमीटर के अंदर। तो चलिए तो चलते हैं बमशाला। और ख़ास बात यह है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर कई समुदाय के लोग जाते हैं दोस्तों शादी के लिए। सरकार का योजना है, एक अच्छा योजना है दोस्तों, सभी को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। तो जिसका जिसका जो गरीब रेखा के नीचे रहते हैं दोस्तों, उनका वहाँ पे शादी विवाह विवाह होता है दोस्तों। और कई समुदाय के लोग वहाँ जाते हैं और लगभग लगभग काफ़ी सारा भीड़ भी वहाँ होता है। तो कई बड़े बड़े मंत्री और जिला अध्यक्ष और बाल विकास विभाग के तरफ से इस विवाह को कराया जाता है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को आज का प्रोग्राम में दिखाते हैं कैसे कैसे वहाँ पे विवाह सम्मेलन होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहिए वीडियो में। और आप जो जो मेरे चैनल में नए आएंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटा कॉल पर जाकर सेट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है आज का ब्लॉग, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी वहाँ आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होगा। बताया जाता है दोस्तों लगभग हर साल वहाँ पे 300 और 400 के बीच में वहाँ पे भारी संख्या जोड़ों का शादी विवाह होता है दोस्तों वहाँ पे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं वहाँ लेके और कैसे कैसे वहाँ का। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बमशाला और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत यहाँ पे शादी होना है। तो हम लोग आए हैं नकबार से लगभग यहाँ 60-65 किलोमीटर की दूरी में दोस्तों बमशाला। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है दोस्तों मुख्यमंत्री विवाह कन्या योजना के तहत। तो उसी का लाभ लेने के लिए कई दूर दराज से सभी लोग आए हैं और काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में गाड़ी उड़ी भी आया हुआ है दोस्तों। तो साथ साथ में मैं भी आया हूँ, जो अपने भतीजनी आप लोग को दिखाया वहाँ पर, उनका यहाँ पर आज शादी है। तो चलिए अंदर तरफ बाजा वजा बज रहा है, पूरा अच्छे आदिवासी रीति रिवाज और अपना संस्कृति के तहत यहाँ पर विवाह होना है। तो अभी हम लोग चलेंगे अंदर साइड और दिखाते हैं आप लोग को आज का ब्लॉग में कैसे कैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री विवाह कन्या योजना का आदमी लोग लाभ ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, आप लोग कंटिन्यू करिए वीडियो में। और आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बने रहिए। तो हर साल की तरह यहाँ पर ऐसे ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो कई लोग नहीं भी जानते हैं, तो जो गांव देहात में रहते हैं दोस्तों अधिकतर सभी को इसको जानकारी नहीं रहता है। तो इस जो योजना है सभी को अच्छे से लाभ लेना चाहिए दोस्तों, हर किसी को। तो इसीलिए हम लोग अपने भतीजनी हैं उनको लेके आए हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत यहाँ पे शादी होगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ का जो पंडाल है विवाह शादी का पंडाल, तो काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। यहाँ का मंच को ऐसे सजाया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। Thank you.
फाइनली दोस्तों ये देखिए अपना ईप नदी है दोस्तों, जहाँ बमसाला के सामने इधर जो पंडाल वंडाल बना है उसके सामने में ही ईप नदी है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है गाइस यहाँ का, देखिए आप लोग उस साइड अपना मेन रोड। और चलिए मंदिर के साइड लेके चलता हूँ आप लोग को और दिखाता हूँ बमसाला का मंदिर। और ये देखिए दोस्तों यहाँ का मंदिर, बमसाला का मंदिर है दोस्तों ये। और ये है सामूहिक विवाह कार्यालय। और चलिए नदी से लेके दिखाता हूँ मंदिर का नज़ारा आप लोग को। तो ये देखिए दोस्तों बमसाला का राधा कृष्ण मंदिर आप लोग को दिखा रहा हूँ नज़ारा, अंदर का नज़ारा इस टाइप से है। यहाँ पे लोग आते हैं माथा टेकते हैं अपना श्रद्धा भक्ति के साथ में, पूजा अर्चना होता है दोस्तों यहाँ पे। और सामूहिक विवाह कार्यालय दोस्तों ये है। इधर हमारे पुलिस बल है दोस्तों, देखिए सामने तरफ सभी के व्यवस्था के साथ में यहाँ का विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है दोस्तों। इधर लगा है दुकान। सुबह से हम लोग आए हैं तो थोड़ा भूख लग रहा था, गए थे होटल के पास पर इतना भीड़ है दोस्तों होटल में, हर जगह जहाँ ठेला लगा है वहाँ पे भी भीड़ है, होटल में भी भीड़ है, तो हम लोगों को नहीं मिला। और इधर अपना ड्राइवर है देखिए हाय कर दो, और इधर अपना रामसदन भैया। तो सभी लोग हम लोग आए हैं अपने ग्राम पंचायत नकबार से यहाँ शादी अटेंड करने। तो अभी तक तो प्रोग्राम चालू नहीं हुआ है दोस्तों, हम लोग को जल्दी फल्दी बताए थे आने के लिए, बोले थे, लेकिन हम लोग टाइमली पहुँच गए। फिर भी टाइमली यहाँ पर शादी का जो प्रोग्राम है नहीं शुरू हुआ है दोस्तों, शायद तक जो अपने मुख्यमंत्री हैं विष्णु देसाई उनका इंतजार हो रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करिए आप लोग वीडियो में, और हम लोग जा रहे हैं होटल, होटल के साइड कुछ बहुत मिल जाता है तो फिर पूजा कर लेंगे, तो चलिए बने रही। तो फाइनली दोस्तों देखिए यह है वर और वधु का जोड़ा, लगभग बता रहे हैं 200-250 वर और वधु का संख्या है दोस्तों, देखिए आप लोग।
के साथ में यहाँ पे देखिए वर और वधु का स्वागत हो रहा है। हाय कर दो वर और वधु लोग। इधर देखिए काफी संख्या में शादी का जोड़ा। अरे जिस कुंड के सामने वाले स्थान को कृपया खाली करें। विवाह कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होगा। विवाह कराने वाले आचार्यों को व्यवधान होगा। कृपया कुंड के सामने वाला स्थान को ईसाई जोड़ों की ओर जो भीड़ कृपया खड़ी है वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सहयोग करें। आप ही के बेटे और बेटियों की शादी है, अव्यवस्था ना करें। स्टेज पे हो तो लास्ट में देंगे। हमारे साथ जो बाजे वाले सभी साथी उपस्थित आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। Thank you.
गाइस इस साइड आप लोग देख पा रहे होंगे इधर हो रहा है क्रिश्चियन शादी ईसाई भाइयों का, हमारे वर वधु ईसाई भाई और बहने यहाँ पे तैयारी करके बैठे हैं देखिए, और इधर पादरी रीति रिवाज के तहत लोग देखिए यहाँ पे हो रहे हैं। माफी चाहेंगे थोड़ा सा, आप लोगों की शादी कितने लोगों की होनी थी ये हमें पता नहीं था, तो दुल्हा और दुल्हन जो है कन्फेस करेंगे वो वर्ड्स जो है हम लोग आपके लिए प्रिंट करके ला के दिए हैं, जो जिनका नहीं भरा है कृपया वो पेपर ले लें ताकि आप जब कन्फेस करें तो आप जो है सही सही शब्दों को आप बोल पाए। मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले बार मैंने इस प्रकार की शादी कार्यक्रम में मैंने उपस्थित हुआ था, सुनने को आया था कि जिन्होंने गरीब हैं जिस प्रकार से वो घर में शादी नहीं कर पाते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा ये सुंदर मौका है। आप इस सरकारी विवाह कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं जिस प्रकार की योजना को लाए हैं, विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए जिस प्रकार से कार्यक्रम किया है कि हर एक वर्ग के लोग इस प्रकार के शादी कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूं कि मसीही समाज की और परंपरा के अनुसार ये शादी विवाह का जो योजना है ये आदि से ही है, ये परमपिता परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ योजना है, और इस विवाह के कार्य का क्रम को अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग अपने रीति रिवाज के अनुसार करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज जितने भी मसीही समाज और अन्य समाज के लोग आए हैं आज अपने परंपरा के अनुसार इस शादी के कार्यक्रम को कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ। विशेष आइए हम जिस परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया देखा कि उनका आराधना करते हुए हम शुरू करना चाहते हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारी बड़ी मदद कर। प्यारे प्रभु जी शादी के कार्यक्रम को करने वाले आपके दास को भी अभिषेक कीजिए, बुद्धि और ज्ञान दे करके उनको आप आशीषित कीजिए। सारा महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम में। आइए गीत में गीत गाते हुए हम थोड़ी समय आराधना करने पाए। मैं आराधना करने के लिए पास्टर दीपक टुप्पू के लिए मैं समय देता हूँ। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष सबको ताली बजाएंगे। आते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। को संपन्न करने के लिए जो मसीह समाज के जोड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, और उनके साथ में आए हुए उनके प्रियजनों का, परिवार का, लड़के और लड़कियों की तरफ से जो भी अभिभावक आए हैं आप सबका मसीह यीशु के नाम में मेरी ओर से स्वागत और अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ सरकार के सारे पदाधिकारी, मुख्यमंत्री से लेकर के बाल विकास परियोजना अधिकारी और जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, तमाम जो लोगों ने इस कार्यक्रम को
पल बनाने के लिए परिश्रम किया है, उन सबों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये महफिल क्या ही सुंदर सजा हुआ है। यदि ये शादी केवल मसीहों का होता तो यहाँ पर केवल मसीह लोग होते, लेकिन ये शादी जो है अन्य विश्वास करने वाले, अन्य धर्मों को मानने वाले, अन्य रीति रिवाज को मानने वालों को एक साथ और एक मंच पे लेकर के आना, ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की एक महान योजना और महान पहल है। इसके लिए बनता है एक बार जोरदार ताली। शायद छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के लिए आप खुश नहीं है, एक बार और जोरदार ताली बनता है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए इस प्रकार के महफिल को हमारे लिए सजाया है। और रंग बिरंगे दूल्हे और दुल्हन दिख रहे हैं, ये कितने खूबसूरत महफिल है। और मैं थोड़ा चाहता हूं कि दूल्हे तो थोड़ा मुस्कुरा दे इस समय। टेंशन में है क्या? मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। उपदेश करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि इधर गायत्री समाज के जो है पंडित लोग वे भी अपना कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे नजर में तीन प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं। एक कर्मचारी है, वो चाह रहा है कि कितना जल्दी हम अपना ड्यूटी खत्म करें, टाटा बाय बाय करके अपने घर को चले। दूसरे ग्रुप यहाँ पर ये है कि शादी में तो शादी के बाद में क्या मिलता है, भोज मिलता है ना। तो कई लोग शादी खत्म हो जाए और हमें भोज मिले, भोज का आनंद कर उठाए और यहाँ से क्या करें, चले जाएं। तीसरे जो यहाँ पर ग्रुप बैठे हैं, वे लोग ये सोच रहे हैं ये पंडित और ये पास्टर, ये प्रिस्ट लोग कब हमको पति और पत्नी घोषित कर दें, हम भी अपने अपने जोड़ी लेकर के क्या करें, चले यहाँ से। तो सबको जल्दी है, सो हम जल्दी के कारण जो है लंबा उपदेश भी करेंगे। बहुत शादी के बारे में बाइबिल बहुत सारी बातें कहती है और उनमें से कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया और बाइबिल बताती है कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। उसने कहा और सब कुछ हो गया। हम सृष्टि में को देखते हैं नजर उठा करके, तो ये सारे सृष्टि ऊंचे नीचे हरे भरे, बड़े जानवर छोटे जानवर, जलचर फलचर, ये तमाम सृष्टि को परमेश्वर ने अपने मुख से बोला और ऐसा ही हो गया। बाइबिल सच्चाई की घोषणा करती है कि उसने सूरज को होने कहा, सूरज हो गया। चांद को होने कहा, चांद हो गया। जलचर होने कहा, जलचर हो गया। फलचर होने कहा, फलचर हो गया। ये सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अर्थात आदम को बनाया। उधर बैठे हुए आदम को भी बनाया, इधर बैठे हुए आदम को भी बनाया, सारे आदम को बनाया। और इन सारे आदम को बनाने के बाद में उसने जितने जो प्राणी बनाए थे उन प्राणियों में उन्होंने जोड़ी ढूंढना शुरू किया कि मनुष्य को जिसको मैंने बनाया, इस मनुष्य के लिए कोई जोड़ी चाहिए, इसके लिए कोई जोड़ी मैच करना है। तब उसने आदम के पास में उन सारे सृष्टि को लेकर के आया, हाथी को लेके आया, घोड़ा को लेके आया, बैल को लेके आया, खरगोश को लेके आया, चूहा को लेके आया, जितने भी थे सारे सृष्टि को आदम के पास में लेकर के आया। क्यों लेकर के आया? कि उनमें से किसी को क्या करे, पसंद कर ले अपनी जोड़ी के रूप में। होशियार था, मुझे नहीं पता, उस समय मैं नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूंगा आदम को उसमें से कोई पसंद नहीं आया, कोई पसंद नहीं आया। तब अब परमेश्वर ने सोचा कि ये सारे सृष्टि मैंने मनुष्य के पास लेकर के आया, सबका उन्होंने नाम रखा, नामकरण किया, लेकिन अपने लिए किसी को पसंद नहीं किया जोड़ी के लिए। तब परमेश्वर ने सोचा कि मुझे लगता है
इसके लिए मैच खाने वाला क्या करना पड़ेगा, जोड़ी बनाना पड़ेगा। तो उसने एक मैच खाने वाला जोड़ी के लिए उन्होंने प्लान किया, और प्लान करके उन्होंने क्या किया, आदम को गहरे नींद में डाल दिया। आदम को गहरे नींद में डाला और आदम के एक पसूली निकाला और उस पसूली में से क्या कर दिया, एक नारी का निर्माण कर दिया, एक नारी का सृष्टि कर दिया। और उस नारी को चुपचाप परमेश्वर ने आदम के बाजू में दिया, रख दिया। ऑपरेशन जब होता है तो गहरे नींद में डालना पड़ता है ना, तो परमेश्वर ने आदम गहरे नींद में डाला था। अब उसने ऑपरेशन किया, नारी बना दिया, नारी को आदम के बाजू में रख दिया। नींद खुला, आदम ने देखा कि मेरे बाजू में सुंदर सा स्त्री को रखा गया है। हालेलुया। आदम ने उस स्त्री को क्या कर लिया, पसंद कर लिया। मैं इन सारे जोड़ों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने अपनी हवा को नींद में सोते हुए ढूंढा कि आंख खोल करके ढूंढा? परमेश्वर ने पहला हवा जब दिया तो आदम का आंख क्या कर दिया, बंद किया, उसमें नींद में गहरे नींद में डाला, और नींद से जब जागा तो उसको क्या दिखाई दिया, उसके लिए एक जोड़ हवा दिखाई दिया। तो परमेश्वर इस प्रकार से मनुष्य के लिए जोड़ी का क्या किया, निर्माण किया। इस जोड़ी का निर्माण करने के बाद में परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, विवाह, पहला विवाह हुआ, उसके बाद में परमेश्वर ने वचन में कहा विवाह, सब बातों के आदर की बात समझी जाए। हेलो, और सभी भाइयों ने दुए अंग में डाले अभी को तैयार है और पीछे बढ़े। मैं इस बुढ़ी को तुझे देती हूं और आती हूं, अभी से मैं तुझे प्रतिष्ठा करती हूं और शाश्वत तुझे दी हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जबकि इन सभी जोड़ों ने सम्मानित हुए हैं और इस बात का है और इस पर एक दूसरे को अपना वचन दिया है और वस्तुओं को देने और लेने। दोस्तों चलिए फटाफट से चलते हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं आ रहे हैं, तो उनका भी अभिनंदन अभी परघावा होगा, तो चलिए उधर दिखाते हैं, और बाजा गाजा के साथ में उनका परघावा होगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, और जिलाध्यक्ष हमारे बीच में इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए आ रहे हैं, तो नाम तो मैं भी नहीं जानता हूं दोस्तों, तो चलिए आप लोग कंटिन्यू करिए, वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। Thank you.
और मेरी सहयोगी सुश्री राजेश्वरी नायडू, इस कार्यक्रम के होस्ट, महिला एवं बाल विकास परिवार जिला जशपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ध्वनि द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि करतल ध्वनि द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माँ सरस्वती पर माल्यार्पण किया जा रहा है और दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम में आप सभी से पुनः विनम्र अनुरोध है कि करतल ध्वनि द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज 221 जोड़े की शादी जो आज संपन्न हो रही है, मैं सभी उन कन्याओं को बधाई देना चाहता हूं कि आप सब जो 18-19 साल अपने मायके में रहकर अपने पिता, अपने माता, अपने परिजनों का सेवा किए और अब ससुराल जाकर आप सब उस घर को भी संपन्न करेंगे और दो दो घरों को आबाद करने वाले आप सब बच्ची को मैं पुनावती सुपारी होगा जब कुछ होगा उसे पुनावती कर देंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूँ यहाँ से, आदमी की जिंदगी में शादी एक बार होता है। आप लोग को शासन नहीं कर सके शादी, इसलिए यहाँ शासन की ओर से शादी करना पड़ रहा है। ये नहीं घर में जाके 4 बकरा 80 मुर्गा काट के फिर शादी करवो, ऐसा मत सोचिए। आप लोग आंगन में वर वधु को बैठा दीजिए, चांदनी लगा दीजिए, गोठो नहीं होगा तो ताल पत्री को भी लगा दीजिए, टांग दीजिए और गांव वालों को बोलिए कि हमारे लड़का ला आशीर्वाद बता सु बस मन एक मन गम सरकार तो स्वाहा पुण्य गम स्वाहा। विशेष रुकावट हमारे बीच माननीय अतिथि लोग आ रहे हैं, आइए उनका दीपक स्वरूप भी उनका स्वागत होगा, साथ में आरती भी होगा। जहाँ खड़े हैं कष्ट के लिए क्षमा मांगता हूँ, आप लोग खड़े रहेंगे। आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। हाँ बैठिए, सब लोग बैठ गए ना, हाँ बैठ गए। हाँ तो अभी सिंदूर जो बोला था, सिंदूर निकालिए हैं, निकालिए थोड़ा सा और सिंदूर को वर बाबू के हाथ में दीजिए। वर Yeah.
तथगत नम स्वाहा। अब नौनी लड़का मन के पारी खत्म हो गई, बाबू लड़का मन आगे जावा और लाइट नहीं करना है। चौथे भावर के लिए फिर से ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैदं नमः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित गुरु सत्ता परम पुष्ण गुरुदेव और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया। गोस्वामी तुलसीदास क्या बोले, रामायण के रचयिता है ना गोस्वामी तुलसीदास, सब लोग जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बोले, मैं मरूंगा तो मेरे को दफनाना नहीं, न तो मेरे को फेंकना नहीं। मेरे शरीर का जो चमड़ा है, कोई आदमी एक बार भी राम का नाम ले लेगा उसको पहना देना, ऐसे करके गोस्वामी तुलसीदास जी बोले। तो आप लोग से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कम से कम आज शादी हो रहा है तो एक बार करके गायत्री मंत्र बोलिए और आहुति डालिए। अभी मैं 12 बार बोलवाऊंगा आप लोगों को, तो 12 बार बहनों, जितने भी दूल्हा लोग अभी से अपने को बदल लो, नहीं घर में जाके तो मुटका खाई। मैं बता देता हूँ समाज अनुसार हमारे संस्कृति अनुसार ग्रंथि बंधन होता है, दोनों जन का आंचल में बांधा तो ग्रंथि बंधन करा। काका चीज एक तो पैसा, दूबी और फूल और हरदी और चावल, चला बोला थोड़ा सा विज्ञान जोड़ देवा, चला पैसा ला दोनों जन मिलजुल के खर्चा करना है और पुष्प जैसे रहना है, दुर्वा जैसे मुरझा जाता है पानी पड़ता है दुर्वा भाई आता है वैसे रहना है। हरदी आरोग्य के लिए है, हमेशा सुखी रहना है, ज्यादा जन कहियो नहीं तो अनुपज होते, कम खावा सुखी रहना। और बाद में चावल है दान देने का, दान दो ग्रंथि को। कर्मों के फल से न बचोगे चलना बहुत समय, अभी समय है अभी बदल लो का स्वागत करेंगे। ओम परिदास यशोदास दीर्घस्थ जगदरश्मे सतम च जीवामि सदा पूर्वात्म सबस्ते
ओम यशस्वाय महाद्वत पृथ्वी यशसेन्द्र बृहस्पति यगो भगस्या मा मद्दते मा प्रतिपद्यता। हाँ, ये तो सुहागिन लोग का पहन लिए, और वहीं पर जनेऊ रखा होगा। अगर महिला लोगों को आप लोग सुहागिन बनाते हैं तो आपको भी तो सुहाग होगा, वहाँ जनेऊ रखा होगा, देखिए वहाँ पर। हाँ, ये बैला लाली बांधे रखे ना, वो बैला परम पवित्र प्रजापति गाइस। यहाँ पे देखिए उधर का प्रोग्राम जो है ख़त्म होने वाला है, लास्ट स्टेज पे है, तो अभी यहाँ पे खाना बंटवारा हो रहा है और लोगों की संख्या को देखिए दोस्तों, भारी संख्या में है। दोस्तों काफ़ी धूप था आज, तो शायद बता रहे हैं यहाँ के भाई लोग कि एक जने को लू मार दिया है इधर, देखिए। तो अभी तो लग रहा है ठीक ठाक है, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो भीड़ में खड़े होने में भी तकलीफ दिक्कत होता है दोस्तों। तो ये देखिए इसकी, इधर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप था दोस्तों, तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है लाइन में खाना लेने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, ज़बरदस्त भीड़ है। तो देखिए सभी को क्या है, सुबह से आए हैं तो सभी लोगों को भूख लग रहा होगा, तो यहाँ पे खाना वितरण हो रहा है। हाँ, यहाँ
अब बुलाइए। तो आप क्या बांटते हैं बताइए थोड़ा सा, क्या बांटते हैं? गुलाब जामुन बांटते हैं। तो आप ही लोग को दिए थे यहाँ का जो कार्यक्रम का भार था? हाँ भैया, खाना पीना आप ही लोग बनाए? टोकन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए महिलाओं का भीड़ है, और यहाँ पे टोकन के अनुसार दोना पत्थर दे रहे हैं खाना के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी संख्या महिलाओं का भी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सभी हड़बड़ा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लेट हुआ है, पूजे का आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं महिलाओं का भीड़, जब पुरुष का लाइन लगा है और इस साइड महिलाओं का। काफ़ी तादाद में लोग हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, खाना जहाँ बट रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ के कारण यहाँ पे संभल नहीं रहा है, और कोई मान भी नहीं रहे हैं दोस्तों। सभी कोई सुबह से आए हुए हैं, तो भूख सभी को लग रहा है। तो बूढ़े जवान सभी लोग लाइन में लगे हैं दोस्तों, देखिए। तो चलिए ठीक, फिर भी ठीक ठाक अभी तो चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा संख्या होने के कारण ठीक से व्यवस्था नहीं बन पा रहा था, तो अपने जो कर्मचारी हैं पुलिस बल यहाँ पे आया हुआ है देखिए, और इन लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दो जने यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो यहाँ का व्यवस्था नहीं संभल पा रहा था, तो इनको देखिए संभालने के लिए आए हैं इन लोग। अपना ड्यूटी देखिए दोस्तों अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छे से लोगों को समझा रहे हैं प्यार से, पर भी क्या है लोग समझते नहीं है दोस्तों। सबको अपना अपना कभी भी अपना फर्ज को समझना चाहिए दोस्तों। तो क्या है अपना अपना सभी क्या लेट है, भीड़ है, तो दोस्तों क्या थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही हर किसी को, लेकिन अपने में सभी को समझ होना चाहिए। तो हमारे जो पुलिस भाई लोग हैं यहाँ पे आए हैं देखिए, और काफ़ी अच्छा से व्यवस्था बनाए हैं। चलिए फिर भी व्यवस्था बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा हड़बड़ी में झगड़ा उगड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए अपने जो पुलिस बल जो कर्मचारी भाई लोग आए हैं और अपना काम को कर रहे हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे सामान वितरण हो रहा है वर वधु के लिए, जो हमारे विष्णु देसाई छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जो शादी संपन्न हुआ उसके बाद में सामान वितरण हो रहा है, तो अंदर तरफ शायद सामान वितरण कर रहे हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं। तो काफ़ी भीड़ है दोस्तों, तो क्या है अंदर लेके नहीं दिखा पाऊँगा मैं, तो चलिए कोशिश करते हैं अंदर के साइड जाने के लिए। तो बने रहिए आप लोग। तो क्या क्या मिला आप लोगों को? अलमारी। और क्या मिला? रजय। अच्छा नहीं मिला है, ये खाली मिला है। तो ना जलाने का का देते हैं, तो बताए दहा कर। हाँ पूरा मतलब कि जैसे शादी कर जो घर गृहस्थी का सामान है वही चला तो देते हैं ना। तो ये देखिए अपना अपना सामान लेके सभी लोग खड़े हैं यहाँ पे, और बहुत लोग उधर इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, तो सभी को एक साथ नहीं मिल पाएगा। तो देखिए सभी का सामान वितरण हो रहा है अंदर में, तो काफ़ी अच्छा यहाँ प्रोग्राम हुआ गाइस आज।
40 जोड़ा का यहाँ शादी हुआ दोस्तों, तो क्या है दिक्कत तो होगा। अरे माँ भी दुकान खाकर खा लो, माँ लगो मंडी तो मंडी रखा नहीं, सामान खट करा का सभी को जैसे व्यवस्था बना है उस सर इसके तरफ से देखिए, यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं सामान वितरण कर रहे हैं दोस्तों। देखिए पूरा जशपुर जिला के से आए हैं सभी लोग, तो काफी तादाद में यहाँ पे संख्या है। तो फाइनली दोस्तों देखिए आ चुका हूँ अभी मैं घर, और दोस्तों जो वहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन का जो शादी था काफी अच्छे से हुआ दोस्तों, और काफी अच्छा लगा भी क्योंकि काफी दूर दराज से और काफी अलग अलग जो समाज से आते हैं दोस्तों सभी लोग आए थे, और कई प्रकार के वहाँ पे समुदाय के लोग थे, तो काफ़ी अच्छा से प्रोग्राम समाप्त हुआ। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, वहाँ पे मुख्यमंत्री जो विष्णु देसाई आने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि उनका कोई दूसरा प्रोग्राम होगा तो नहीं आ पाए, तो उसके जगह में दोस्तों अपना जो जिला अध्यक्ष थे और उन्होंने आया और इस कार्यक्रम को अच्छा से कराए दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम मैं बीच में दोस्तों जब हम लोग निकलने वाले थे तो जल्दी फल्दी निकल गए, तो वहाँ का जो लास्ट का जो वीडियो था दोस्तों मैं नहीं शूट कर पाया, तो जल्दी फल्दी में हम लोग आ गए घर, और जो अपनी भतीजनी थी उनको मैंने छोड़ा दोस्तों, कुनकुंदरी उनका गाँव है दोस्तों, तो चलिए वहाँ पर मैं उनको छोड़ के आया, और अभी लगभग हम लोग वहाँ से निकले थे 7 बजे लगभग, तो दोस्तों काफ़ी दूर यहाँ से पड़ता है हमारे नगबार गांव से, लगभग लगभग 60-65 किलो के दूर में बमसाला गांव है, वहाँ पे दोस्तों ये कार्यक्रम हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा आज का कार्यक्रम देख के दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी काफ़ी रात हो चुकी है, तो अभी हम लोग वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रहिएगा, हम लोग भी अच्छे से रहेंगे दोस्तों, तो चलिए यहीं से वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय।